हमारा एक ऑफिस उद्घाटन करने के लिए रविशंकर पांडे जी, प्रदीप सरकार जी, जवाहरलाल पाल, हमारा पूजा नायडू बहन, नफीसा खातून, मैडम मुर्मू, लक्ष्मी मुर्मू और सब नेतागण, माँ बहन, भाई बुजुर्गों, हमारी पार्टी का तरफ से एक ही बात कहने के लिए हम इधर में आए, जो खड़गपुर एक मिनी इंडिया है, छोटा भारत है। इस शहर में तेलुगु भाई बहन है, उड़ीसा का रहने वाले हैं, पंजाब की, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, बंगाल की, असम की, हर प्रदेश की भाई बहन इस शहर में रहते हैं। तो हम सब इस शहर को छोटा भारत नाम से हम चिन्हित किया इस खड़गपुर को। स्वर्गीय विधान चंद्र राय जब मुख्यमंत्री था, खड़गपुर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आईआईटी बनाया था। खड़गपुर का रेल परिवहन को मदद करके सब कुछ बनाया था। इसका जो रेलवे वर्कशॉप इंडस्ट्री पिछले 34 बरस जो सीपीएम का जमाना में ये सब खत्म हो गया था। हमारा नेत्री ममता बनर्जी ने, हम उसी टाइम कांग्रेस में थे, बंगाल कांग्रेस की अध्यक्ष था, हम और ममता जी ने हाथ पकड़ के एक साथ आवाज उठाया था, बंगाल को मुक्त करना पड़ेगा, एक साथ लड़ाई लड़े और बंगाल को मुक्त करके तृणमूल कांग्रेस की झंडा उठाया। और पिछले 6 बरस कोने कोने में जो उन्नयन और प्रगति का जो कर्मसूची उन्होंने लिया था, हमने पालन किया। दुख की बात है, खड़गपुर शहर ऐसा एक शहर है जहां म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है और रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन है। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार खड़गपुर रेल का चौहत्ती में हमारी राज्य सरकार और म्युनिसिपैलिटी का कोई उन्नयन काम करने नहीं देते हैं। प्रदीप सरकार, रविशंकर पांडे हमारा बहन, हमारा भाई जो 26 काउंसिलर है, उन्होंने कोशिश करते हैं किंतु रेलवे अथॉरिटी उसको परमिशन नहीं देते हैं। तज्जब की बात है, यहां का जो एमएलए बन के विधानसभा में गए माननीय दिलीप घोष, जिन्होंने उम्मीदवार बने बीजेपी का तरफ से इस चुनाव में, पार्लियामेंट इलेक्शन में मिदनापुर सीट से, उन्होंने कहा जो हम जब एमपी बन के दिल्ली जाएंगे तब रेलवे दफ्तर को पकड़ के खड़गपुर में काम करवाएंगे। क्या बात है। तो उन्होंने 3 बरस एमएलए हैं, 16 साल से 19 साल तक खड़गपुर रेलवे बस्ती में रेलवे पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दिया, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं किया, रास्ता भी नहीं किया। तो उनका सरकार केंद्र में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राज्य बीजेपी का अध्यक्ष भी है, तो उनका बात केंद्रीय सरकार नहीं सुना। और अभी चुनाव का टाइम उन्होंने बोल रहे हैं हम दिल्ली जाके केंद्रीय सरकार को बोल के
तीन बरस पुलिस ने बहुत तंग किया था इस इलाका का ऊपर और उसका ऊपर, हमने सब कुछ जाना। हम ये वादा करता हूं आपका ऊपर कोई पुलिस का लाठी नहीं उठेगा। मिदनापुर जिला क्रांतिकारी जिला है, मिदनापुर के आदमी हर घर में क्रांतिकारी है। स्वाधीनता आंदोलन में हर मां संग्राम की संतान को जन्म दिया था। इस जिला स्वाधीनता संग्राम में सबसे ज्यादा खून दिया। इस जिला का आप भाई है बहन है, इस जिला का युवक युवती छात्र छात्री मां बहन कभी सिर नीचू नहीं करेंगे। हम 35 साल विधायक सबंग से जीता हुआ, सबंग का आदमी मुझको बार बार आशीर्वाद किया। सबंग बाढ़ में बहुत बार क्षतिग्रस्त होते थे, अभी सबंग जाके देखिए कैसे क्या हो गया। सारी भारत में कोई एक ब्लॉक सबंग का माफिक नहीं है जहां 26 पीने का पानी का वाटर प्रोजेक्ट है। सारी भारत में राहुल गांधी का नहीं है, नरेंद्र मोदी का भी नहीं है, सबंग में है 26 वाटर प्रोजेक्ट, कोई म्यूनिसिपैलिटी कोई गांव में नहीं। रास्ता मैंने 46 रास्ता 46 रोड कंस्ट्रक्शन कर दिया। कोई ना कोई काम हमारा लड़का लड़की करते हैं। बेरोजगारी है, समस्या है, हम सब मिलके काम करते हैं। क्राइम जीरो, हम पुलिस का ऑफिस में नहीं जाते हैं, पुलिस हमारा पास आती है। आप सब मेरे भाई है, मेरा माताजी है, बहन है, मेरा कलीग है, लीडर लोग है। ऊपर वाला का पास यही प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए आप दुआ मांगे। जिस तरफ से मैं सबंग का आम जनता को सेवा किया लगभग 40 बरस, हम गांव नहीं छोड़ा, हम मिदनापुर नहीं छोड़ा, हम मिदनापुर का लड़का है, हम आपका साथ रहेंगे, आपका साथ समय बिताएंगे, हम आपका साथ काम भी करेंगे, ये मेरा वादा है। जीवन का शेष प्रांत में पहुंच के यही कहूंगा, जब मेरा जिला का हम प्यार करेंगे, मेरा बुजुर्ग को मैं सम्मान करूंगा, मेरा भाई और बहन का मैं प्यार देंगे और प्यार भी मांगेंगे, मेरा साथ खड़ा हो जाइए, खड़गपुर को बदल दीजिए। खड़गपुर का बहुत कुछ असम्मान हुआ, बदनाम हुआ, पुलिस का तंग हुआ। इस खड़गपुर में आने के लिए कोई आदमी डरते हैं कभी कभी, इस आइडिया को बदलना पड़ेगा। खड़गपुर मेरा प्यारा शहर है, खड़गपुर का भाई बहन मेरा प्यारा भाई बहन है। इस चिंता पर, इस चिंता को सारी जिला में हम बोल देंगे कि खड़गपुर बदल गया। खड़गपुर का इंडस्ट्री, खड़गपुर का रेल, खड़गपुर का डेवलपमेंट, हमारा प्रदीप जी है, रविशंकर पांडे जी है, 26 काउंसिलर है, हम एक साथ लड़के करेंगे। मनोज का ऊपर बहुत अत्याचार हुआ हम जानते हैं, हम मनोज को वादा करता हूं सिर ऊंचा के चलो, काम करो, ममता जी आपका साथ रहेंगे, हम आपका साथ रहेंगे। आज से इस ऑफिस में बैठ के आप काम करेंगे, कुछ समस्या होगा रविशंकर जी,
प्रदीप जी, जहरपाल जी और आप सब है, एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम पूजा बहन का ये वार्ड है, हम पूजा बहन को अनुरोध करूंगा ऐसा काम कीजिए, खड़गपुर का सब आदमी इस 18 नंबर वार्ड को याद करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक बात बताया था, सब लोग तो जिंदगी में जीने के लिए आ रहे हैं, एक दिन हम सबको जाना पड़ेगा। ऐसा काम करो जो काम एक चिन्ह रख जाएगा, आदमी शरण करेगा, आदमी शरण करेगा, इज्जत करेगा, प्यार देगा, गुस्सा राग तोड़फाड़ ये तो जिंदगी का एक अंश है, किंतु जब प्यार से आदमी को आप जीत लेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार देंगे, वो भी आपको प्यार देगा, सम्मान देगा। ये हमारा जिंदगी का दर्शन है, मकसद भी है। आप एक साथ काम कीजिए, हम आपका साथ रहेंगे। मैं 33 इलेक्शन लड़ी, 9 बार मेरे अपने के लिए, 9 बार लोकसभा के लिए, 9 बार पंचायत के लिए, 9 बार म्यूनिसिपैलिटी के लिए, और भी ज्यादा। हम सारा भारत में आपका पिता माता का आशीर्वाद में लगभग 30 स्टेट घुमा, नागालैंड से मिजोरम, मणिपुर से अरुणाचल, त्रिपुरा से असम, महाराष्ट्र से केरला, आंध्र से तेलंगाना, उत्तराखंड से उत्तरांचल, पंजाब से हरियाणा, मेरा 46 इयर्स ऑफ पॉलिटिक्स में हमने सब कुछ देखा। मैंने इंदिरा जी का साथ काम किया, मैं राजीव जी का साथ काम किया, मैं नरसिम्हा राव जी का साथ, उन्होंने मुझको बहुत प्यार करता था। नरसिम्हा राव आप नहीं जानते, मेरे से अच्छा बांग्ला बात कहते थे, 16 लैंग्वेज में बात करता था नरसिम्हा राव, 16 लैंग्वेज, पंडित नरसिम्हा राव जी ने मुझको 93 में इंडिया गवर्नमेंट की डेलीगेशन में अमेरिका भिजवाया था, लीडर ऑफ द डेलीगेशन आई वाज। उन्होंने मुझको गांव से उठा के दिल्ली ले जाके 45 मिनट इंटरव्यू करके अमेरिका भिजवाया था, लीडर ऑफ द डेलीगेशन, 21 पार्लियामेंट मेंबर और असेंबली मेंबर का बीच में मुझको चुना। मैंने सोनिया जी का साथ काम किया, राहुल का साथ काम किया, मैंने राहुल को बंगाल में पहला लेके आया था और 32 मीटिंग करवाया था मेरा नेतृत्व में। मैंने बोला था कांग्रेस को जो सीपीएम का हाथ मत पकड़ो, मेरा साथ राजनीतिक संघर्ष शुरू कर दिया था कुछ कांग्रेस आदमी। मैंने बोला जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ हाथ पकड़ के सीपीएम को हटाया, 16 साल में जब मुद्दा उठा तो क्या करें, कुछ आदमी बोला सीपीएम का हाथ पकड़ो, मैंने प्रोटेस्ट किया था। मैंने बोला आइदर कांग्रेस शुड फाइट अलोन और कांग्रेस ममता जी का हाथ पकड़ के लड़ो, मेरा बात नहीं सुना। उस मुद्दे पर मेरे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, 46 इयर्स ऑफ कांग्रेस लाइफ वॉज सस्पेंडेड बाय सम कांग्रेस लीडर्स। ममता जी ने हाथ बढ़ाया, हम ममता जी, उन्होंने मुझको राज्यसभा में भिजवा दिया था जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह है, चिदंबरम है, एके एंटोनी है, अरुण जेटली है, मैं हूं। इसका बाद मैं कुछ नहीं जानता था, एक दिन फोन आया ममता जी का, मानुष दा मैंने चुन लिया आपको मिदनापुर पार्लियामेंट सीट के लड़ाई के लिए। मैंने बोला ममता जी आप मेरा नेत्री है, बहुत इज्जत करता हूं आप।
निर्देश देंगे हम मानेंगे। आज उस लिए हम मेरा घर में मेरा भाई बहन का साथ मिलने आया है। मैंने एक ही अनुरोध करूंगा आपको, खड़गपुर को शांत रखिए, खड़गपुर को इज्जतदार बनाइए, खड़गपुर आदमी को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और 2019 का चुनाव लड़के ममता जी को उपहार दीजिए। चलिए आपका बंद हुआ दफ्तर को खोल देते हैं, आज से यहां बैठेंगे, यहां मीटिंग होगा, यहां आलोचना होगा। जय हिंद, जय हिंद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।